जब कभी भी आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, बहुत ज़्यादा तनाव हो रहा है या बहुत ज़्यादा काम का बोझ बढ़ रहा हो ना, तो सवेरे के समय जब थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो और उस समय आप निकल पड़िए एक लंबी यात्रा पे। लंबी यात्रा मतलब सुबह के टहलना भी हो जाएगा आपका और थोड़ा सा सोचने का समय भी मिल जाएगा कि करना क्या है। अकेले में जब आप थोड़ा सा इतना जो है करते हैं ना, तो लाइफ में आपको बहुत कुछ करने का एक जो है एक मिल जाता है, एक नया ऑप्शन कि हम क्या करें। तो कभी भी परेशान होइए तो यही काम करिए, मैं भी यही काम करती हूँ। मुझे भी जब ज़्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत ज़्यादा मुझे लगता है कि अरे बहुत ज़्यादा ये है वो है काम है ये करना है, जब मैं बहुत ज़्यादा मैं टेंशन में रहती हूँ, क्यों ऐसा नहीं है कि हम हाउसवाइफ को टेंशन नहीं होती है, भाई हमें भी टेंशन होती है, हम भी इंसान हैं। तो बस मैं भी निकल पड़ती हूँ थोड़ी सी जो है टहलने के लिए, या फिर मैं अकेले में ऊपर छत पर बैठने के लिए, तो मैं जब आराम से सुबह के समय अर्ली मॉर्निंग एकदम जब धूप की पहली किरण भी नहीं निकलती है ना, तो ऊपर जाके बैठिए शांति से और चिड़ियों की आवाज़ें सुनिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो फ़िलहाल आज मैं भी निकल पड़ी थी थोड़ा सा वॉक करने के लिए, थोड़ा सा सोचने के लिए कि आज करना क्या है, और साथ में जब लौटी तो सोचा चलो थोड़े से फूल तोड़ लें, लेकिन मैं देख रही थी कि फूल तो है ही नहीं, मुझसे भी पहले कोई आकर ले गया। तो भाई मैं थोड़ा लेट हूँ, और वैसे भी जब नवरात्र वगैरह शुरू होती है ना तो गुड़हल के फूल की डिमांड बढ़ जाती है। तो इस डिमांड से मुझे याद आया कि हम लोग भी ना डिमांड बन गए हैं। डिमांड तो हमारा है ही है, और हम सप्लाई ज़्यादा हो चुके हैं, मतलब बिल्कुल नमक की तरीके। नमक कितना सस्ता होता है, नमक की कोई कीमत नहीं होती है। देखा जाए तो हम इतने महंगे महंगे फूड खाते हैं, सब कुछ करते हैं, तो उसके आगे नमक की कोई कीमत नहीं है। लेकिन जब नमक नहीं रहता है ना खाने में, तब पता लगता है कि नमक अगर होता तो कितना अच्छा स्वाद होता। तो भाई अपने आप को भी इसी तरह से बनाइए, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं भी इसी तरह से बनूँ और सब लोग इसी तरह से बने, क्योंकि बहुत ज़रूरी हो गया है अपने बारे में बताने के लिए कि हम भी कुछ हैं। तो इसी चीज़ को देखते हुए करते हैं घर के काम की शुरुआत करती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे घर के काम को करते हुए और अपने ब्लॉग की शुरुआत करते हुए। तो हेलो फ्रेंड्स, आज है नवरात्र का पहला दिन और घर का पूरा शुद्धिकरण करने के लिए सबसे पहले जो सवेरे की झाड़ू पोछा आज थी ना, पूरे घर की धुलाई हो चुकी है और ये सब मैंने बहुत जल्दी जल्दी कर लिया, क्योंकि आज संडे है, बच्चे घर में ही हैं, तो थोड़ा सा जो है रहता है कि हेल्प कर देते हैं, और रहता भी है कि भाई पूजा पाठ का घर है तो थोड़ा साफ़ सुथरा थोड़ा सा ज़्यादा लगता है कि हाँ साफ़ सुथरा रहे। सफाई तो हम रोज़ करते हैं पर एक अलग सी एनर्जी आ जाती है, तो बस इसी एनर्जी को मेंटेन करते हुए पूरे एनर्जी से भरपूर सुबह का आनंद लेते हुए, जो सुबह जितने काम हो जाते हैं ना उतना बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। तो पूरे घर की साफ़ सफाई वगैरह सब हो चुकी है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो चुका है, किचन से लेकर के पूरा पीछे आगे ऊपर नीचे हर जगह पे, और ये सब 7 बजे तक सब कुछ साफ़ हो चुका था। अब जो है बचता है क्या, तो बस अपना स्नान करना बचता है, तो चलती हूँ मैं स्नान करते, मिलती हूँ आपसे इसके बाद। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है बहुत खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, और सबसे पहले जय माता दी, आप सभी लोगों को नवरात्र की बहुत 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 शुभकामनाएं। और चलते हैं आज का ब्लॉग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं किचन में ही, जो सवेरे की जो साफ़ सफाई थी वो हो चुकी है, और मेरे यहाँ बहुत धूमधाम की आवाज़ आ रही है, धूमधाम की ऊपर छत पर से आ रही है। एक्चुअली छत जो है वो थोड़ी ख़राब हो गई है ना, तो आज बनने के लिए आज ही सबको आना था, तो आज ही बनना शुरू हुआ है। फिलहाल अभी मैं चाय भी चढ़ाया मैंने, और अभी स्थापना करनी है और खाना भी बनाना है, क्योंकि व्रत जो है वो सिर्फ 3 लोग का होता है, और बाकी सब लोग तो खाना खाएंगे ही, हम लोग के लिए भी बनाना है, ज़्यादा कुछ नहीं बनाएंगे। मेरे लिए सब कुछ तैयारी वगैरह मैं करके आई हूँ, सारा हो चुका है, बस स्थापित करना है, और जब समय होता है, जब मुहूर्त हर चीज़ का टाइम होता है ना, तो जब टाइम हो जाएगा तभी स्थापित करेंगे। तो तैयारी वगैरह सब हो चुकी है, सब सामान जो भी होता है रख दिए हैं, जवारे भी जो है हम लोगों ने, जो लोग नहा के आते हैं और धीरे धीरे जवारे एक एक करके लगाते गए, मतलब पहले मैंने लगाई, फिर उसके बाद में मम्मी ने लगाई, फिर बच्चों ने लगाई, और अब हस्बैंड आए हैं तो वो लगा रहे हैं। तो कम से कम 5 लोगों की ज़रूरत होती है जवारे लगाने के लिए, तो इसलिए जो है वो अभी आए हैं नहा कर, तो वो अपने जवारे लगा रहे हैं, और बस हमारी पूजा शुरू हो चुकी है। Thank you.
तो बस व्रत तो हम सिर्फ दो लोग का है, बाकी लोग का नहीं है, मतलब बच्चे पापा और जो है ये हमारे हस्बैंड, इनका व्रत नहीं है, नहीं रह पाते भाई, जिन्हें काम करना रहता है, बाहर जाना रहता है, वो उतना नहीं कर पाते हैं। तो जो लोग घर में रहते हैं वो लोग कर लेते हैं। तो फ़िलहाल मैंने बच्चों के लिए और सबके लिए, मतलब उन सभी चारों लोग के लिए जो है बना दिया है, बढ़िया सी तहरी कह लीजिए या वेज बिरयानी कह लीजिए। तो मतलब आप इस तरह से बना दो तो बच्चे बड़े शौक से खाते हैं और मुझे भी थोड़ा सा मिल जाता है कि चलो बच्चे खा लेते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मुझे पूरा खाना बनाना होता। तो ये मेरे हस्बैंड हैं तो हस्बैंड के लिए खाना निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि उन्हें जाना है, उन्हें संडे को भी छुट्टी नहीं मिलती है क्योंकि डॉक्टर्स वगैरह से मिलना रहता है, तो इसकी वजह से, और तो इसकी वजह से मैं उनको खाना निकाल दे रही हूँ। और जब उनको खाना दे दूँगी तो उसके बाद में फिर मैं अपने दो लोग का जो फलाहार होता है ना वो बनाऊँगी। और फलाहार में हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं लेते हैं, सिंपल सा हम लोग सिर्फ आलू फ्राई करते हैं, कभी साबूदाना डाल के फ्राई कर लेते हैं या मूंगफली वगैरह जो है वो ले लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं है कि दिन भर खाने वाला नहीं करते हैं, सिर्फ एक टाइम ही लेते हैं और शाम को बहुत होता है, तो जैसा ज़रूरत रहती है उस हिसाब से बन जाता है। वैसे भी व्रत का मतलब ही है कि आप सात्विक तरीके से एक टाइम कुछ खा कर ही व्रत रहें। अब ये क्या है कि दिन भर खाते रहो तो फिर व्रत किस चीज़ का, तो इसलिए जो है मैं आलू फ्राई कर रही हूँ। तो आलू जो ना फलाहार भी माना जाता है, और चाहे तो आप बिना नमक के भी फ्राई कर सकते हैं, बिना सेंधा नमक के, और चाहे तो आप सेंधा नमक ले सकते हैं, ये अपनी अपनी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है। तो सिंपल सा फ्राई करती हूँ। और आज से लेकर के 9 दिन तक के लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं बनेगा घर में। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने जो अभी बच्चों के लिए और उनके लिए खाना बनाया तो मैंने उसमें यूज़ किया, तो वही भाई बिल्कुल नहीं। हम जो है हमारे यहाँ नवरात्र में बड़ी श्रद्धा होती है, इन सब चीज़ों को हम लोग अवॉइड करते हैं, तो बिल्कुल सात्विक खाना बनता है। मैं भी अपना फलाहार लेकर बैठ चुकी हूँ जो है, बहुत से लोग जो हैं, जो लोग व्रत रहते हैं ना, क्योंकि अब तो फेस्टिव सीजन शुरू हो गया और बहुत से लोग व्रत रखेंगे और कहेंगे कि मैं तो बिना मीठा के कैसे व्रत रखा जाए। तो बिल्कुल ऑप्शन है, अगर आप सेंधा नमक खाते हो ना तो ठीक है, अगर आप मीठा खाना पसंद करते हैं तो आप मीठे की जगह पर आप फ्रूट्स लीजिए, शरबत की जगह पे आप जूस लीजिए, वो ज़्यादा अच्छा होता है। जो लोग 9 दिन का रहते हैं और जो फर्स्ट और लास्ट रहते हैं तो उनके लिए तो कोई ज़्यादा खास फर्क नहीं पड़ता है। तो हेल्थ भी अपनी जो है वो भी बहुत बड़ी चीज़ है, इशू है सबसे बड़ा कि भाई आपका इतने दिन के व्रत में जो है कहीं हेल्थ जो है ना बिगड़ जाए। तो इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके पानी की मात्रा अच्छे से खूब बढ़ा करके खूब पानी पीजिए, पानी तो बहुत ज़रूरी है, तो पानी पीते रहिए। और ये नहीं है कि 10 बार आप खाएं, व्रत में तो वैसे भी 1 से 2 बार ही खाया जाता है, तो जो है बस यही। और एक चीज़ और मैंने आप लोगों से कहा था कि मेरे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नया जो है मैं शुरू कर रही हूँ वो आपको देखने को मिलेगा। तो वो ये है कि जो है बहुत से ब्लॉगर्स जो हैं 21 डे चैलेंज ले रहे हैं, कुछ लोग 1 महीने में वेट लॉस की पूरा वो कर रहे हैं कि वो आप ऐसा करो तो आप हो जाएगा। तो देखिए भाई, मेरे कोई जादू नहीं है, जो वेट आपका इतने साल में कम नहीं हुआ है, हाँ वो कम होगा लेकिन एकदम से नहीं होगा। 21 डेज में ऐसा कुछ नहीं होने वाला है और ना ही जो है जादू होने वाला है कि 1 हफ्ते और 2 हफ्ते करेंगे तो कम हो जाएगा। वेट लॉस करना है तो थोड़ा थोड़ा करके आप आदत को अपनाइए, अच्छी आदत को, तब जाके वेट कम कम है। सबसे सच्ची बात जो बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ जो है मैं क्या करने जा रही हूँ, तो मैं भी जो है वेट लॉस चैलेंज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, मैं भी ले रही हूँ चैलेंज। और वो चैलेंज भी जो है वो था पूरा मैं आप लोगों से कर रही हूँ कि नवरात्र से लेकर के दिवाली तक का जितना जो समय है ना, तो मैं उसमें जो है अपना मैंने एक मोटिव बनाया है कि मैं जो जो एक्सरसाइज करूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी और जितना फ़र्क पड़ेगा वो भी आप लोगों को दिखाई पड़ेगा। तो जो है आप देखिएगा और मेरे साथ ये वाला ब्लॉग ज़रूर से ज़रूर वॉच करिएगा, आपको बहुत कुछ देखने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मेरा भी काम हो जाएगा कि आप लोगों के साथ साथ मेरा भी वेट लॉस थोड़ा सा तो हो ही जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा तो हो ही जाएगा। बस जो है बस यही कहना था मुझे कि कुछ चीज़ें मैं अपना रही हूँ, तो
वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और पूरा नवरात्र से लेकर के दिवाली तक का जो शेड्यूल है कैसे हमने मैं अपने मैनेज करूंगी, अपनी एक्सरसाइज को भी, अपने वेट लॉस को भी और घर को भी और सबको, तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। और क्या क्या ट्रिक और क्या चीज़ मैंने अपनाई है, कौन सी एक्सरसाइज मैं कर रही हूँ, मैं क्या खाऊँगी, वो सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। लेकिन उसके लिए आपको मुझे ब्लॉग के साथ करना पड़ेगा, जरूरीगा। और नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पुराने हैं तो साथ बनी रहिएगा, छोड़िएगा नहीं। और बस अच्छी अच्छी आदतों के साथ अच्छी अच्छे से त्योहारों को हम लोग इन्जॉय करेंगे। तो मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में नई चीज़ों के साथ, नई रूटीन के साथ। तो बस मेरे साथ बनी रहिएगा, सब कुछ। गुड बाय।